ये है देहरादून शहर। यह शहर जहां सैलानियों के लिए सुकून भरा शहर कहलाया जाता है, ठीक उसी तरह बेघरों के लिए भी कम नहीं है। ले चलते हैं शहर की तरफ, जहां बेघरों को एक छत नसीब हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दून शेल्टर सोसाइटी फॉर द होमलेस संस्था की। संस्था के शीर्ष लोगों ने इस बात पर बहुत गहन चर्चा की, विचार किया और सोचा क्यों ना बेघरों को एक छत मुहैया करवाई जाए। बात आगे बढ़ी और धरातल पर भी उतर आई। मेरा नाम प्रदीप बंसल है। मैं इसमें 2010 से, जब से इसकी ओपनिंग हुई तब से हूँ इसमें, और मैं सुपरवाइजर में हूँ और शैम्पू एंट्री मतलब कैरी कर काम भी करता हूँ यहाँ पे, और देखभाल भी करता हूँ, सफाई भी करवाता हूँ, सारी कुछ करवाता हूँ इसमें, और सारी व्यवस्था भी देखता हूँ। जैसे तो हमारे से ऊपर जो हमारे डायरेक्टर लोग हैं वो देखते हैं, लेकिन हालांकि यहाँ का जो मेरे ऊपर है इसका भार। 10 वर्ष पहले डॉक्टर अरुण कुमार और उनकी पत्नी श्रीमती कुसुम कुमार ने अपने मित्र डॉक्टर जे एन कलहन से कहा कि उनके घर के आगे एक भूसे का ढेर है। ढेर के सहारे कुछ परिवार रात गुजारते हैं। ऐसे देहरादून में और जगह भी लोग रात गुजारते होंगे, क्यों ना वो बेघरों को एक छत मुहैया कराएं, लोगों से बात करें। बस इतना ही मात्र था। डॉक्टर कलहन इस बात का जिक्र देहरादून के तत्कालीन जिला अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार से की। बात यहां कहां रुकने वाली थी। जिलाधिकारी महोदय ने उन्हें त्वरित अस्थायी शेल्टर की योजना बनवाने के लिए कह दिया, साथ ही यह भी कह दिया कि इसके साथ साथ एक सोसाइटी को पंजीकृत करवाना भी जरूरी होगा। एक माह के अंतराल में यह कार्रवाई संपन्न हुई, जो आज दून शेल्टर सोसाइटी फॉर द होमलेस के रूप में सामने आई। हमारी जो दून शेल्टर सोसाइटी फॉर द होमलेस है, या हमारे पास एक नाइट शेल्टर है ओमकार रोड के ऊपर, जिसमें 100 लोगों के सोने की व्यवस्था है। जो लोगों के पास रात को सोने की जगह नहीं है, तो उन सब के लिए एक हमने बहुत अच्छे यहाँ पर 2 हॉल हैं हमारे पास, और बहुत साफ सुथरे टॉयलेट्स हैं। तो वो लोग आते हैं, करीब 100 की व्यवस्था है, और जो यहाँ सो पाते हैं। हम मात्र उनसे 5 रुपये रात के लिए ठहरने का लेते थे। अभी इस साल से 10 किया है कि वो एक कप चाय और एक पैकेट बिस्कुट भी खाते हैं अपने सवेरे उठ के जाने से पहले। शाम के टाइम में एक फ्री डिस्पेंसरी भी शुरू की है, जिसमें हमारे 2 सीनियर फिजिशियन हैं, डॉक्टर भीम पांडी और एक डॉक्टर मिसेस सुनीता नंदवानी। शाम के टाइम में वो 2 घंटे के करीब आते हैं, जिसमें हम कोई भी आदमी आए अपना पूरा चेकअप करते हैं। सबसे ज़्यादा योगदान जो मैनेजमेंट में मिसेस कुसुम कुमार जी का है, वो तकरीबन डेली उसकी सुपरविजन में 1-2 घंटे देती हैं, और आकर के हर एक डिटेल में ये देखते हैं कि सब जगह एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं सुंदर इमारत, साफ सुथरे बिस्तर, एक्वागार्ड, विद्युत की चाक चौबंद व्यवस्था, व्यवस्थित और स्वच्छता के प्रतीक शौचालय, सोलर वाटर हीटर, सोलर वाटर कूलर, बेड, लॉकर, टेलीविजन इत्यादि। रणजीत कुमार मेरा नाम है, रायपुर से हूँ सर मैं। यहाँ मैं 1.5 साल हो गए मुझे रहते हुए, मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। मैं लेबरी काम करता हूँ, कंट्रैक्टर से 10 रुपये में मुझे सब कुछ यहाँ फैसिलिटी मिलती है।